हेलो जी, राधे राधे। मैं प्रियंका, मिसेस प्रियंका फैमिली व्लॉग्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो जी, सुबह का टाइम हो गया है और दिन है यानी कि सोमवार का। सुबह का लगभग ये लगा लीजिए कि सुबह का टाइम हुआ है तकरीबन 8 बजे के आसपास का। तो बस यहाँ पर मैं अपनी चाय और नाश्ते की कर रही हूँ तैयारी। तो बस चाय जो मैंने अपनी ऑलमोस्ट चढ़ा ली है और उसके बाद साथ के साथ यहाँ पर मैं कर दूंगी अपने लंच की भी तैयारी। तो जी, यह रहता है कि सुबह सुबह अगर किचन का काम फ्री हो जाए, वो भी गर्मियों में, तो काफी हमें काम में जो है राहत मिल जाती है। काफी अच्छे तरीके से ये लगा लीजिए कि काम हमारा जो है वो मेंटेन होकर चलता है पूरे दिन, यानी कि फिर पता नहीं चलता है। अदरवाइज फिर ये रहता है कि भी 10-11 बजे के बाद अगर हम लोग खाना वाना बनाते हैं तो गर्मी काफी हो जाती है, और तो उसमें बहुत ही ज्यादा परेशानी भी मेरे हिसाब से होती है क्योंकि गर्मियां अभी जो है बहुत ही भयंकर पड़ने लग गई है। तो जी, चाय मेरी यहाँ पर बन गई थी, मैंने अपनी डाल ली है कप में। उसके बाद यहाँ पर मैं अपनी जो है घिया काटने लग गई थी, गोल वाली घिया मैंने यहाँ पर ली है। तो इसकी सब्जी खाए हुए यानी कि कह लीजिए इस बार यानी कि सीजन की ये पहली घिया है मेरे हिसाब से, तो काफी अच्छी लगती है इसकी भी सब्जी। उसी के लिए मैं यहाँ पर टमाटर काट रही हूँ, प्याज काट रही हूँ और मिर्ची जो है मैंने अलग से काट ली है। 3 से 4 मैंने लहसुन की कलियां ली हैं और आधा इंच जो है अदरक ली है। तो बस इसको मैं अच्छे से कद्दूकस कर लूंगी और उसके बाद जो है अपने लगभग जो है तड़के की तैयारी मैं यहाँ पर कर लूंगी। तो जी, यहाँ पर मैं तेल डाल लूंगी, और तो बस तेल डालने के बाद जो है मैंने इसमें जीरा डाला है थोड़ा सा, और हींग डाल दूंगी। हींग जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई मैं हर सब्जी में ऐड करती हूँ, हमारी सेहत के लिए भी काफी अच्छी रहती है और बॉडी के लिए भी काफी ठीक ठाक रहती है, तो हींग हमें जो है खानी चाहिए। अगर आप लोग सब्जी में ना डालते हैं तो फिर आप इसको दही में भी डाल सकते हैं, लस्सी में भी डालकर खा सकते हैं, यानी कि कह लीजिए किसी भी तरीके से जो है आप लोग हींग खा सकते हैं। हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट रहते हैं हींग्स के। तो उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने टमाटर अपने भून लिए थे और मिर्ची वगैरह भी जो है मैंने इसमें ऐड कर दी थी, हल्दी नमक भी ऐड कर दिया था। तब तक जो है मेरा ये मसाला यानी कि पक रहा था, मैं यहाँ पर मिर्ची काटने लग गई थी अपनी। तो बस मिर्चियों को मैंने जो है लगभग काट लिया है क्योंकि मैं इनको भी करने वाली हूँ फ्राई, और साथ के साथ ये लगा लीजिए घिया की सब्जी हो जाएगी और मिर्ची फ्राई हो जाएंगी। तो ये मिर्चियां जो है ऐसा नहीं कि भाई अमाजी खा के इनको फिनिश कर देंगे, तो ये रहेगा कि 1-2 दिन जैसे कि भाई चल जाएंगे। तो एक घिया की फाड़ी जो है ये रह गई थी, यानी कि एक जो इसकी लेयर है ये रह गई थी काटने के लिए, तो बस इसको भी जो मैंने यहाँ पर साथ के साथ काट दिया है। तो जी, अभी फिलहाल मैंने रक्षित को स्कूल भेज दिया था, स्कूल चला गया है रक्षित जो है वो स्कूल चला गया था। उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपनी सब्जी को तड़का वगैरह लगाने के लिए। तो बस अभी फिलहाल जो है ये लगा लीजिए 9 बजे के आसपास टाइम हो गया होगा। ये सब काम करते करते मैंने सब्जी को जो है ढक दिया है। अभी बारी आती है यहाँ पर अपनी मिर्ची छोकने की, तो मैंने जीरा डाल दिया है, थोड़ी सी हींग डाल दी है, इनको अच्छे से मिलाऊंगी और उसके बाद देखिए इसमें जो है मैं अपनी मिर्ची डाल दूंगी। और बस ये कह लीजिए अचारी मिर्ची जो है वो ये बन जाती है और काफी अच्छा टेस्ट जो है इनमें आता है। ये कह लीजिए आप जो है खाली इस मिर्ची के साथ और रोटी और लस्सी ये चीज भी आप लोग खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई मिर्ची होने के बाद आप लोगों को जरूरी है कि भाई सब्जी ही चाहिए है या फिर कुछ और ही चाहिए है, जी नहीं, इसके साथ जो है खूब अच्छे से जो है रोटी खाई जाती है। तो बस अभी फिलहाल ये पक गए हैं मेरे, यानी कि कह लीजिए जीरा वगैरह जो है वो पक गया था। तो अभी बस मैं इसमें डाल दूंगी अपनी मिर्चियां, और तो देखिए ज्यादा मिर्ची मैंने नहीं काटी है क्योंकि ये रहता है कि भाई इतनी सारी मिर्चियां ही हम 2 जन जो है वो 2-3 बार में खा पाएंगे। तो बस इसी हिसाब से जो है मैंने यहाँ पर काट लिया। उसके बाद मैंने इसमें नमक डाल दिया है, हल्दी डाल दी है, लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया है, थोड़ा सा मैंने इसमें जो है आमचूर पाउडर डाला है, थोड़ी सी मैं इसमें अब काली मिर्ची डाल रही हूँ। तो इसी प्रकार से जो है मैं इसको बनाने वाली हूँ, और जैसे ये थोड़ी थोड़ी पक जाएगी यानी कि कह लीजिए 19-20 पक जाएगी, तो मैं इसमें जो है यानी कि नींबू डाल दूंगी एक, तो उससे भी काफी अच्छा जो है टेस्ट हमारा आता है। तो ये हमारी जो है अचारी मिर्ची टाइप बन जाती है, काफी टेस्टी लगती है खाने में, मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है भाई, मेरी फेवरेट है और रक्षित के पापा को भी लगभग जो है वो पसंद है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से थी, ये पकती जाएंगी और ये थोड़ी सी कम होती जाएंगी। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं करने लग गई थी बाकी के अपने काम, तो किचन वगैरह जो है मेरा थोड़ा सा यहाँ पर फैल गया था, तो इसको साथ के साथ मैं समेट देती हूँ। और मसाले वगैरह की भी मसालदानी जो है मैं अपनी जगह पर रख देती हूँ, यानी कि जहां जहां जो जो चीजें रखनी थी वो सब ऑर्गेनाइज करती हुई चलूंगी। और फिर देखिए अभी फिलहाल बारी आती है किचन काउंटर की, तो बस उसको भी मैंने अच्छे से जो है क्लीन कर लूंगी और इसके बाद फिर मैं लगाऊंगी झाड़ू अपना, क्योंकि मतलब ये था कि सबसे पहले मैंने जो है आज अपना सब्जी वब्जी का काम जो है वो निपटा लिया था, क्योंकि मुझे ये था कि भाई सब्जी मुझे ये बनानी है और मैं जल्दी से बना देती हूँ। अदरवाइज ये रहता है कि झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं फिर जो है मैं सब्जी बनाती हूँ तो ये रहता है कि देखो थोड़ा बहुत तो नीचे कुछ ना कुछ गिर जाता है, फिर से जो है सारी किचन मैसी मैसी हो जाती है। तो मुझे यहाँ पर ये लगा कि भाई पहले मैं अपना किचन का सब्जी वगैरह का काम जो है निपटा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं निकालने लग गई थी झाड़ू। और आप लोग देखिएगा वाकई में फ्रेंड्स कितना सारा जो है कचरा निकला है किचन में से। और दूसरी बात ये रहती है कि इस प्रकार से पैरों पर भी काफी सारी मिट्टी वगैरह लगती है, तो काफी लेडीजें यानी कि मैंने काफी जगह देखा है कि वो झाड़ू पर पैर पोछते हुए चलते हैं। तो जी, हमें झाड़ू पर पैर बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, मैं तो कभी भी नहीं लगाती हूँ।
मेरे को ये चीज आप लोगों से शेयर करना मैंने जो है जरूरी समझा। हालांकि जो है मैं अपनी ही पैंट पे थोड़ा थोड़ा नीचे की साइड ही लगा मतलब घिसरा लेती हूँ पैरों को, तो ये रहती है थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह कुछ भी लगता है तो वो साथ के साथ हटता रहता है। तो जी उसके बाद मैंने झाड़ू भी निकाल लिया था और यहाँ पर मेरी जो है चारी मिर्ची भी बनके हो गई थी रेडी, तो बस उनको जो है मैं कटोरी में निकाल के रख दूंगी और ढक दूंगी, या क्योंकि अभी जो है हम लोग लंच नहीं करने वाले हैं क्योंकि लंच अभी टाइम है लंच वगैरह करने में, क्योंकि सब्जी जो है वो अभी बनी रही है तकरीबन। तो मिर्चियां मेरी क्विक यानी कि कह लीजिए जल्दी ही बनकर रेडी हो गई थी, तो काफी अच्छी बनी है। यहाँ पर मैंने चेक किया है बिल्कुल एकदम खट्टे खट्टे बिल्कुल लाजवाब जो है वो बनी है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। और काफी लोग जो है शायद इसको प्याज में भी भूनते हैं यानी कि प्याज के साथ, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को किसी दिन बना के दिखाऊंगी। अदरवाइज ये वाली भी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी। उसी के साथ मैंने यहाँ पर लगा लिया था अपना पोछा भी, तो ये लगा लीजिए मेरा डस्टिंग क्लीनिंग और ये भाई अपना झाड़ू पोछा सारा काम जो है वो मेरा आज का हो गया था। तो बस अभी फिलहाल ये लगा लीजिए सुबह के 11 बजे के आसपास का टाइम है और अब जो है मैं तकरीबन जल्दी ही काम कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये हो जाता है कि भी फटाफट से अपना काम कर लो गर्मी में और ज्यादा नहीं, यानी कि कह लीजिए भाई 12 बजे के बाद तो बहुत ही ज्यादा गर्मी होने लग जाती है और अगर फोन वगैरह में घुस जाओ तो फिर ये रहता है कि भी टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उसी की वजह से जो है मैं अपना जल्दी जल्दी काम अभी फिलहाल कर लेती हूँ और आज मैं जाऊंगी यानी कि रक्षित की नानी के घर यानी कि मैं जाऊंगी अपने मायके, तो आप लोगों को वहां का भी थोड़ी सी सैर करवाऊंगी, थोड़ा बहुत कुछ दिखाऊंगी जो भी पॉसिबल रहेगा। तो जी बस फ्रेंड्स आ गई थी मैं फिर यहाँ पर, तो अभी बैल बजा देते हैं देखते हैं कौन खोलता है। तो जी गेट भाभी जी ने खोला था, तो बस उसके बाद मैं यहाँ पर गेट लगा देती हूँ। तो रक्षित अभी आया नहीं था, रक्षित को आने में काफी टाइम था, काम मेरा हो गया था तो मुझे लगा कि भाई मैं थोड़ी देर चलती हूँ, पापा जी मेरे सो रहे थे तो अभी फिलहाल ये अंदर वाले रूम में चलते हैं। तो भाभी जी बैठी हुई है वो अपने सूट को कुछ कर रही है, तो ये देखिए जस्सू कैसे यहाँ पर खेल रहा है, बार बार लाइट पंखा चालू कर रहा है और तो बस देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा, और ये कुछ इस प्रकार से इनके घर का लुक है जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी। तो बस इसी प्रकार से काफ़ी दिनों के बाद जो है मायके में आना हुआ और ये रहा कि भाई वैसे तो पास ही है बट ये रहता है कि रोज़ रोज़ नहीं आ पाते हैं, रोज़ रोज़ वो नहीं जा पाते हैं। तो ये मेरी भाभी ने जो है बाथरूम में लगवा रखा था मिरर, ये भी मैंने आप लोगों को जो है दिखाया है, काफ़ी बड़े साइज का। तो जी बस जस्सू ने बोला था आप लोगों को हेलो, तो यहाँ पर मेरे को ये भाभी जी का क्लेचर काफी पसंद आ गया था, तो बस दिखा रहा है का दिखा रहा है का दिखा रहा है का दिखा रहा है, सारी पहन ली है ए दुलन दुलन तो जी बस उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने घर पे। तो अभी फिलहाल यहाँ पर मैं कर रही हूँ रक्षित के लिए थोड़ा सा दूध गर्म, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था तकरीबन 4 बजे के आसपास का और ये था कि रक्षित को जो है दूध पिलाना था, क्योंकि उठने से पहले ही मैं उसको पिला देती हूँ और मुझे यहाँ पर लग रहा था कि भाई रक्षित जो है वो उठने वाला है। तो बस उसी के साथ यहाँ पर मैं कर रही थी रबड़ी की तैयारी, क्योंकि मैं आज बनाने वाली हूँ फिर से रबड़ी, क्योंकि गर्मियाँ काफ़ी पड़ रही हैं और फिर ये रहता है कि भाई जब आदमी बाहर का काम करता है यानी कि कह लीजिए धूप वगैरह में आता जाता है, तो बस थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखना यहाँ पर लाजमी हो जाता है। तो बस उसी हिसाब से जो मैंने यहाँ पर बेसन डाल लिया है और लस्सी में, और उसके बाद थोड़ा सा इसमें जो है मैं आटा ऐड कर दूंगी और आटा ऐड करने के बाद जो इसमें मैं थोड़ा सा मक्का भी ऐड कर दूंगी। मक्का ऐड करने का ये रहेगा कि काफी सारे जो है यानी कि इसमें ऐड हो जाएंगे, आटा ऐड हो जाएगा, बेसन ऐड हो जाएगा और मक्के का आटा भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो काफी अच्छे से जो है हमारी रबड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो बस उसको मैंने ये सब आटे वगैरह डाल लिए हैं, उसके बाद जो मैं इसको अच्छे से रफड़ लूंगी, आप चाहे तो ग्राइंडर भी चला सकते हैं बट मैंने जो है ये हाथ वाली जो हमारी रही होती है उसी की हेल्प से मैं इसको आ रही हूं धीरे धीरे से, क्योंकि यह था कि भाई बाहर ना निकल कर गिर जाए, इसी हिसाब से जो मैं बिल्कुल आराम आराम से इसको चला रही हूं। और उसके बाद फिर मैंने अपनी रबड़ी भी भिगो के रख दी थी, यानी कि ये नहीं कि हम तुरंत उसको बना लेते हैं, उसको हमें रेस्ट देना होता है 10 से 20 मिनट का, हालांकि मैंने जो है आधे घंटे का रेस्ट कम से कम दिया है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी अंदर, तो रक्षित उठ गया था और यहां पर जो है मैं कर रही थी हमारे जो सुई धागे वाला डब्बा होता है उसको यानी कि थोड़ा सा मेंटेन कर रही थी, क्योंकि ये जो है मैंने जूते वाले डब्बे में ही रख रखे है और ये वाला सामान जो है मेरा सारा उबड़ खाबड़ हो रहा था यानी कि सारा जो है फैला हुआ था, उसको मैंने थोड़ा सा ऑर्गेनाइज किया। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी वापस किचन में, यानी कि ये रात का टाइम हो रहा है तकरीबन 7:30 बजे के आसपास का, और मेरा रूटीन ये रहता है कि भाई मैं 8:30 बजे तक किचन से फ्री हो जाऊं बिल्कुल अच्छे से जो है काम वगैरह करके, यानी कि खाना वाना बनाने का पहले का जो हमारा रूटीन होता है उससे मैं निपट जाऊं। और खाना वगैरह तो देखो भाई जब 8:30, 9 बजे के आसपास खाया जाता है, काम करते करते 10 बजे के आसपास जो है रात के हो ही जाता है चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, तो
एक साइड मैंने यहाँ पर चढ़ा ली है कढ़ाई अपनी और उसको मैं बनाने वाली हूँ कड़ी, और दूसरी तरफ जो है मैं बनाऊंगी अपनी रबड़ी जो कि हम कल खाएंगे, और चाहे तो आप लोग शाम को भी खा सकते हैं, बट जैसा भी रहेगा देखा जाएगा। तो जी बस उसके बाद मैंने अपना मटेरियल डाल दिया था फ्राईफिन में और अभी इसको जो है राम राम से चलाऊंगी। और तो इस बार जो है मैं इसको जो चम्मच की हथेली यानी कि तली होती है उसकी तरफ से ऐसे चलाती हुई चलूंगी, क्योंकि अगर मैं इसको उठा के चलाऊंगी तो वही गैस पे जो है मेरे फैल जाएगा, उतने अच्छे तरीके से नहीं यानी कि मैश हो पाएगा। तो बस इसी तरीके से जो मैं इसको चलाती जाऊंगी आराम आराम से, और ये रहेगा कि काफी देर तक इसको चलाना पड़ेगा क्योंकि वरना फिर ये नीचे भी लग जाएगी, और दूसरा इसका ये रहेगा इसमें जो है गांठे पड़ जाएंगी, जो है ये बिल्कुल लिक्विड शेप में हमारी नहीं बनेगी, कहीं कहीं गांठे हो जाएंगी, कहीं कहीं ये बिल्कुल यानी कि पतली रहेगी। तो उस हिसाब से जो मैं इसको चलाती रहूंगी लगातार। और अभी बारी आती है अपने कड़ी में बेसन लस्सी वगैरह ऐड करने की, तो वो भी मैंने डाल दिया है, दोनों को ही मैं चला रही हूं धीरे धीरे, क्योंकि दोनों ही चीज जो है मैंने सिम कर दी थी फिलहाल, और अभी जो है मैंने कड़ी वाली गैस थोड़ी सी तेज की है, अदरवाइज जो है मैं पहले जो है सिमी गैस पे ही खाना बना रही थी। तो बस ये था कि अभी जो है मुझे लगा कि जल्दी से कड़ी में उफान आ जाएगा तो जल्दी मुझे जो है कड़ी से राहत मिल जाएगी कि मुझे जो है कड़ी बार बार नहीं रोड़नी पड़ेगी, क्योंकि कड़ी का रहता है कि जब तक उसमें खदके ना लगने लगे, जब तक वो पकने ना लगे, तो तब तक जो है हमें उसे पकाना पड़ता है। तो जी फ्रेंड्स आज का व्लॉग मेरा रहेगा इतना ही, अब मैं मिलूंगी आप लोगों से कल एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।